वहीं अहम खबर यह भी कि ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी कल दिल्ली में ईडी के सामने पेश होंगे। कोलकाता से दिल्ली रवाना होने से पहले एक बार फिर उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय के दुरुपयोग का आरोप लगाया। अभिषेक बनर्जी ने चुनौती देते हुए कहा कि ईडी 10 पैसे की भी गड़बड़ी साबित कर दे तो वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। हमारे सहयोगी तमाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। तमाल, क्या कहना है अभिषेक बनर्जी का और ये ईडी का दुरुपयोग का मामला क्या है जिसका आरोप वो लगा रहे हैं? देखिए, पहले बात तो जो साफ हो रहा है कि अभिषेक बनर्जी कल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में जाएंगे। उनको नोटिस भेजा गया था, उनको बुलाया गया है अब 6 सितंबर को, और 6 सितंबर यानी कल वो ईडी के ऑफिस में हाजिरा देंगे। एक तो कलकत्ता छोड़ने के समय उन्होंने कहा कि इलेक्शन के टाइम से वो दोहरा रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई भी यू नो करप्शन के चार्ज साबित हो जाए और पब्लिक के प्लेटफॉर्म में साबित कर पाए बीजेपी, तो खुद को फांसी के फंदे तक लेके जाएंगे। और उसी बात को दोहराते हुए आज फिर से उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ 10 पैसा से भी कोई अगर करप्शन का चार्ज बीजेपी पब्लिक के सामने ले आ सकती है तो वो फांसी अपना लेंगे। ईडी और सीबीआई उनके पीछे भेजना यानी एक राजनीतिक षड्यंत्र है जो काफी दिनों से कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जितनी बार उनको बुलाया जाएगा वो उतनी बार जाके अपना हाजिरा देंगे। लेकिन जहां तक ईडी का कहना है, ईडी की सोर्सेज का मानना है कि उनके पास कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस है जिसके लिए अभिषेक बनर्जी का एग्जामिनेशन इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये कोयला वाला कांड है जो जिसके लिए उनके धर्मपत्नी को सीबीआई ने भी एक दफा एग्जामिन कर चुके हैं, पर इस बार ईडी ने पहली बार रुजिरा बनर्जी को बुलाया था। उन्होंने लिखित रिस्पॉन्स देकर कहा कि वो बाद में आ सकते या फिर सीबीआई के ऑफिस ईडी के ऑफिसर्स उनके घर में आकर उनके सवाल जवाब कर सकते हैं। लेकिन अभिषेक बनर्जी का समन का जहां तक बात है वो कल खुद जाएंगे ईडी के ऑफिस में और अपना हाजिरा देंगे। बिल्कुल, शुक्रिया कमाल हम तो जुड़ने के लिए और तमाल इस बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए।